विज्ञानवापी का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया है। दरअसल विश्व वैदिक सनातन संघ ने एक पत्र जारी कर मुस्लिम पक्ष से इस मुद्दे का कोर्ट से बाहर समझौते में सुलझाने की अपील की है। अब तीन है, लेकिन इसी बीच ज्ञानवापी का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है और उसकी वजह बना है ये पत्र। दरअसल विश्व वैदिक सनातन संघ ने मुस्लिम पक्ष को पत्र जारी करके विवाद का कोर्ट से बाहर आपसी सहमति से शांतिपूर्ण निस्तारण और बातचीत के लिए आमंत्रण दिया है। और ये बड़ी बात है कि हिंदू पक्ष की इस पहल का मुस्लिम पक्ष ने संज्ञान लिया है और चर्चा के लिए सहमति जताई है। ये खुला पत्र विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से जारी किया गया है, जिसके संस्थापक सदस्य राखी सिंह हैं, जो ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष से पहली वादिनी भी है। तो योगी जी के शब्दों को कई दिन हो गए सुनने के बाद भी किसी पक्ष ने कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया, तो इस विषय को हमने संज्ञान लिया और हमने कहा क्यों ना माननीय योगी आदित्यनाथ जी के उस शब्दों का सम्मान करते हुए, उनकी मनोभाव का सम्मान करते हुए हम लोग ही इस पहल को करें। सो यही सोचकर हमने इसकी पहल शुरुआत करी। हिंदुस्तान में किसी तरह का विवाद न फैलने पाए, इसको बचाने के लिए हमने मुस्लिम पक्ष को जो पत्र हम लोगों ने लिखा है कि भाई ये खुला पत्र है, मीडिया के माध्यम से भी दिया गया, व्हाट्सएप के भी माध्यम से दिया गया और उसका जवाब भी आया हमारे पास, तो हम समझते हैं अगर आपस में बैठ करके कोई समझौता होता है तो ये हमारे देश के लिए, समाज के लिए एक अच्छी पहल होगी। अब इस पत्र और समझौते के आमंत्रण के सामने आने के बाद हिंदू पक्ष का दूसरा धड़ा बेहद नाराज है। ये धड़ा ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ रहा है। कोर्ट में उनकी तरफ से कहना है कि हम किसी भी कीमत पर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। मुकदमा हमने लड़ रहे हैं पिछले इतने सालों से, अपना खून पसीना लगा के इस मुकदमे को लड़ रहे हैं, इस मुकाम तक लेके आए, आगे भी लड़ते रहेंगे और इसलिए बातचीत हो नहीं सकती, क्योंकि बातचीत के सबसे मुख्य बिंदु क्या होते हैं कि कोई आदमी पीछे हटे। जो पूरा बैरिकेडिंग के अंदर का परिसर है उसकी एक इंच भी जमीन देने को हम तैयार नहीं है। विष्णु जैन के मुताबिक इस मामले में सलाह के लिए दो लोग आपस में बैठकर कोई हल नहीं निकाल सकते, एक पक्षकार समझौते की बात नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एक सगुफा है, ये छोड़ा गया है, बाकी इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। ऑर्डर 23 रूल 1 में जो रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता है। इस पूरे मामले को लेकर देवबंद उलेमा मुफ्ती अरशद फारूकी का कहना है कि ज्ञानवापी का मामला अदालत में चल रहा है, अदालत जो फैसला करेगी वो हर पक्ष को मानना जरूरी होगा, उससे पहले किसी का कोई दावा या कोई समझौते की बात करना गलत है। ज्ञानवापी का मसला अदालत में है, अदालत जो फैसला करेगी वो हर फरीक को मानना जरूरी होगा, उससे पहले किसी का कोई दावा या कोई समझौते की बात करना बेसूद है। फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश के बाद ASI ज्ञानवापी का सर्वे कर वहां मंदिर होने के दावे का सत्य तलाश रहा है, लेकिन समझौते की बात से मामले ने तूल पकड़ लिया है। ज्ञानवापी